हाय माय यूट्यूब फैमिली, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव आप सभी को। आज हम देखेंगे आप दोनों के लिए करंट एनर्जीज। ये डेक से मैं आपके लिए देखूंगी और ये डेक से आपके पार्टनर्स के लिए। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। प्लीज़ बताएं मेरी यूट्यूब फैमिली की करंट एनर्जीज क्या है। फोर कार्ड मेरे यूट्यूब फैमिली की करंट एनर्जीज क्या है। तीन निकले, एक और। ओके, ये भी आना चाहता है, ले लेते हैं। एंड बॉटम आपके लिए कार्ड निकाल लिए। अब मैं आपके पार्टनर्स के लिए कार्ड निकालूंगी। मैम प्लीज़ बताइए मेरी यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। मेरी यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, निकल गए। एंड बॉटम ओके। तो सबसे पहले मैं आप दोनों के लिए कार्ड निकाल लिए। सबसे पहले मैं आपके लिए देखूंगी, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, द सन, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड बॉटम की एनर्जी इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स विथ टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आपकी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल एंड हुआ है और एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है, या तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाला है, या तो वो पास्ट लव होगा या न्यू लव होगा, ठीक है। बिकॉज डेफिनेटली आपका दिल टूटा है बहुत बुरी तरह, और आप अभी दो राहों पे खड़े हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आप कंफ्यूज्ड हो कि आप क्या चूज कीजिए। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप जिनसे दिल से कनेक्ट कर रहे हो आप उन्हें चूज कीजिए, बिकॉज वो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। और आपको वहाँ पे ही सक्सेस मिलेगा। अगर अभी आपको उतना सक्सेस नहीं मिला है जितना आपने सोचा है, तो आपको वहाँ पे ही सक्सेस मिलेगा जिनसे आप दिल से कनेक्टेड हो। आपके अगर रिलेशनशिप आपके फैमिली के साथ अच्छे नहीं थे तो वो अच्छे होंगे। और आपने अभी ज़िंदगी में कुछ डिसाइड किया है कि आप आगे ऐसे काम करोगे, ये करोगे, पूरा प्लानिंग किया है, तो वो सब पूरा प्लान आपके लिए काम करने वाला है। आपके ऊपर डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिलने वाला है। अगर आपने सोचा है कि आपको आप कोई प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो या किसी और काम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो रिगार्डिंग आपके करियर के लिए, तो आपको वहाँ पे सक्सेस मिलने वाला है बहुत सारा। मैं एक कार्ड क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओके, आपको अगर आपका दिल टूटा है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा डाउन हुआ है और आपकी हेल्थ भी बिगड़ी है, तो आपको ये बोला जा रहा है अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और आपके ऊपर एंजल्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। और आप जिस क्लैरिटी का वेट कर रहे थे वो इसी हफ्ते में आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम 11 दिनों के अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप क्लैरिटी का वेट कर रहे थे, वर्क के लिए, लव लाइफ के लिए, या किसी भी क्वेश्चन के लिए जो आपके दिमाग में था, उसके लिए आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। ये थी आज की आप लोगों की एनर्जी। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की एनर्जीज। टेम्परेंस,
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ये बॉटम की एनर्जीज, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स विथ जजमेंट, ब्यूटिफुल एनर्जी। आपके पार्टनर काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो उनको रियलाइजेशन हो गया है, उनको गिल्ट महसूस होता है, वो शायद किसी को बताए ना बताए बट वो अंदर ही अंदर वो तड़प रहे हैं। लड़की लड़का जो भी आपके पार्टनर है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। एंड डेफिनेटली आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हो बिकॉज आपके उसमें भी सिक्स ऑफ कप्स आया था, उनमें भी आया था, तो डेफिनेटली ये आपके ट्रू लव हैं जिनसे जिनके साथ आप डील कर रहे हो और वो आपकी लाइफ में वापस आने वाले एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ। वो बहुत जल्द फैसला करने वाले, अगर पहले उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था तो वो अब करेंगे, वो बैलेंस लेकर आएंगे और उनके जो माइंड और हार्ट के बीच में जो द्वंद मच रहा था, जो फाइट हो रही थी उनके माइंड और हार्ट के बीच में, कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन से क्लियर होके अपनी हार्ट की सुनेंगे। एंड डेफिनेटली लक आप लोगों के फेवर में है, तो अगर ये बंदे आपके, बंदा या बंदी आपके ट्रू लव है तो वो आपकी लाइफ में री एंटर करने वाले हैं। एंड उन्होंने भी बहुत बार आपके लिए प्रेयर्स मांगी है, ठीक है, आपके पार्टनर ने भी प्रेयर्स मांगी है क्लैरिटी के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, और उनको क्लैरिटी मिल चुका है। सो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। अभी फिलहाल थोड़े ट्रैप्ड है बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस, या अभी भी और हीलिंग बाकी है। जैसे ये पूरा हीलिंग हो जाएगा, टेक्निकल इशू था, तो जैसे ये हीलिंग उनका फिनिश हो जाएगा ना, जैसे उनको रियलाइजेशन होगा प्रॉपरली फुल्ली, ओके, और ये ट्रैप से वो निकल जाएंगे, पूरी तरह से बैलेंस हो जाएंगे, तब वो आएंगे। वो भी वेट कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। बहुत तेजी से आना चाहते हैं। जो लोग हील्ड हैं उनके पार्टनर्स आ जाएंगे, जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है, जिनके पास ऑप्शंस हैं, तो वो पहले ऑप्शंस को देखेंगे परखेंगे, फिर उन्हें आपकी रियलाइजेशन होगा कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। डेफिनेटली यहाँ पे उनको भी बहुत पेन हुआ है, उनकी भी लाइफ में चीज़ें बदली है, वो चाहे सबके सामने मुस्कुराए बट वो अंदर ही अंदर वो भी रोते हैं, वो भी मिस करते हैं आपको, और वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। डेफिनेटली वो आएंगे, जैसे पूरी तरह से वो हील हो जाएंगे वो आएंगे, उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहा है बट कुछ नेगेटिविटी है जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं, ठीक है। सो जैसे वो नेगेटिविटी चली जाएगी ना तो वो आ जाएंगे। सो प्लीज़ आप लोग नेगेटिव मत होइएगा, आप अपनी विशेस मांगिए और सब कुछ अच्छा होगा, क्लेम कीजिए ये एनर्जीज को, ठीक है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर नहीं किया अभी तक, एंड कमेंट में डेफिनेटली लिखिएगा कि आपको आज का ये वीडियो कितना रेजोनेट हुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल, हर हर महादेव, थैंक यू।